हेलो बच्चों, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये टॉपिक हमारे जो कंपटीशन के बच्चे हैं, चाहे रेलवे के हों या यूपी पुलिस के हों या फिर एसएससी सीजीएल या एसएससी के एग्ज़ाम के, भारत में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, राज्य एग्ज़ाम हो या फिर केंद्र सरकार के एग्ज़ाम हो, आने वाले एग्ज़ाम में आपको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आपको पूछेगा। और यह हमारी छोटी सी वीडियो आपको कम से कम 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो हमारी भारत सरकार जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनके ऊपर क्या क्या कार्यभार है, और हमारी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसमें कौन कौन से मंत्री को पद मिला है और क्या क्या पद मिला है, इस बारे में आज मैं बात करूँगा। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा लिस्ट ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स विद पोर्टफोलियो, उनका डिपार्टमेंट क्या क्या रहेगा और उनके नाम क्या क्या रहेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में। श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जो 2024 में निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री जी बने हैं, उनकी जो ये सरकार है इसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और इनका जो इंचार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नमेंट्स और पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट और स्पेस। अब हम बात करेंगे बच्चों ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशू एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोटेड टू एनी मिनिस्टर। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है आपका श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह का जो डिपार्टमेंट रहेगा वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ये हमारे जो डिफेंस है उसके मिनिस्टर बनेंगे। और श्री अमित शाह जी जो है वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। उसके बाद 3 नंबर पे जो हमारे हैं श्री नितिन जयराम गडकरी जी, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज, जो नए हाईवेज बनते हैं, रोड बनते हैं, इनका जो डिपार्टमेंट रहेगा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिपार्टमेंट हमारे नितिन गडकरी जी के पास रहेगा। बच्चों, अगर मैं बात करूं 4 नंबर पर श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो बीजेपी सरकार के प्रमुख भी हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स डिपार्टमेंट इनके पास रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे 5 नंबर पे जो बात करूंगा, जो पूर्व सीएम भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, श्री शिवराज सिंह चौहान। श्री शिवराज सिंह चौहान के पास कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, एग्रीकल्चर, कृषि एंड फार्मर्स, कृषि और किसान से संबंधित, वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास का, जो ग्रामीण विकास का कार्य होता है वो भी कार्यभार श्री शिवराज सिंह चौहान जी पे रहेगा। बच्चों, अगर मैं बात करूँ 6 नंबर पर ये श्रीमती निर्मला सीतारमन, श्रीमती निर्मला सीतारमन के पास जो डिपार्टमेंट है, जो पिछले साल भी रहा है, पिछली योजना में भी रहा है, इस योजना में भी इनके पास रहेगा फाइनेंस एंड कोऑपरेट अफेयर्स। फाइनेंस एंड कोऑपरेट अफेयर्स श्री निर्मला सीतारमन जी के पास रहेगा। बच्चों, 7 नंबर पे हमारा है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये बहुत मजबूत व्यक्ति है, आप सभी को पता है, जो वर्ल्ड अफेयर्स है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, एक्सटर्नल अफेयर्स में विदेश मंत्री के रूप में इनको गठित किया है, और इनका जो कार्यभार है वो बहुत अच्छा रहा है पिछली बार भी, और इस योजना में भी आशा है कि बहुत अच्छा रहेगा। जो भारत के संबंध है इन्होंने दूसरे देशों के साथ काफ़ी मजबूत कर दिए हैं आज के टाइम में। अब हम बच्चों बात करेंगे 8 नंबर पर हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो हमारे पूर्व सीएम भी रह चुके हैं हरियाणा के, इनके पास जो डिपार्टमेंट है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ पावर, ये इनके पास रहेगा। उसके बाद जो 9 नंबर पर आएंगे आपके श्री HD कुमार स्वामी, इनके पास हैवी इंडस्ट्री और स्टील का जो डिपार्टमेंट है इनके पास रहेगा। उसके बाद जो 10 नंबर पर हमारे पीयूष गोयल जी आएंगे, श्री पीयूष गोयल जी, इनके पास कॉमर्स और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट रहेगा, कॉमर्स से संबंधित और इंडस्ट्री से संबंधित डिपार्टमेंट रहेगा। उसके बाद बच्चों 11 नंबर पर जो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो एक विशेष प्रकार से पिछली योजना में भी हमारे मिनिस्टर रह चुके हैं कैबिनेट के, इनके पास जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट है और शिक्षा से संबंधित डिपार्टमेंट है। उसके बाद 12 नंबर पे जो आएंगे हमारे
जतिन राम माझी, जतिन राम माझी जी, इनके पास जो डिपार्टमेंट रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंथ्रो एंटरप्राइजेज, ये इनके पास डिपार्टमेंट रहेगा। उसके बाद जो 13 नंबर पर आपके आएंगे राजीव रंजन जी सिंह, और जो इनके साथ एक और मंत्री को गठित किया है जिनका ललन सिंह, इनके पास जो रहेगा डिपार्टमेंट पंचायती राज व्यवस्था का, और जो फिशर्स है। अब मैं बात करूंगा 14 नंबर पर, 14 नंबर पर श्री सर्वनंदा सोनोवाल, इनके पास जो डिपार्टमेंट रहेगा वो पार्ट्स ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज। उसके बाद जो 15 नंबर पर हमारा आएगा वो आएगा वृंदा कुमार, जिनके पास सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का डिपार्टमेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो 16 नंबर पे आपके किंजी रप्पा राम मोहन नायडू, इनके पास जो रहेगा सिविल एविएशन का डिपार्टमेंट रहेगा। उसके बाद 17 नंबर पर जो हमारे हैं प्रहलाद जोशी, इनके पास जो डिपार्टमेंट रहेगा वो कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का डिपार्टमेंट इनके पास रहेगा। तो बच्चों अब हम बात करेंगे 18 नंबर पर, 18 नंबर पर जो हमारे हैं इनका नाम है ज्वेल ओरम, ये ट्राइबल अफेयर्स इनके पास रहेगा डिपार्टमेंट। उसके बाद 19 नंबर पर गिरिराज सिंह, तो बच्चों जो हमारे गिरिराज सिंह है 19 नंबर पे, इनके पास टेक्सटाइल का विभाग रहेगा। उसके बाद ज्योतिराज एम सिंधे, इनके पास कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो डिपार्टमेंट रहेगा ज्योतिराज एम सिंधे के पास रहेगा। उसके बाद जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अश्वनी वैष्णव जी, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो डिपार्टमेंट रहेगा वो अश्वनी वैष्णव जी के पास रहेगा। उसके बाद भूपेंद्र यादव, इनके पास इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट रहेगा। और जो हमारे 23 नंबर पाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास हमारा कल्चर और टूरिज्म का डिपार्टमेंट रहेगा। अब हम बात करेंगे नंबर 24 की, उसके बाद जो बच्चों हम बात करेंगे 24 नंबर पर हमारे श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, इनके पास जो डिपार्टमेंट रहेगा मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का रहेगा। उसके बाद 25 नंबर पर श्री किरण रिजिजू के पास जो डिपार्टमेंट रहेगा वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स का रहेगा। उसके बाद 26 पर श्री जी किशन रेड्डी, इनके पास जो डिपार्टमेंट रहेगा ऑयल एंड माइंस का रहेगा। उसके बाद 27 नंबर पर डॉक्टर मनसुख माधविया जी, इनके पास जो डिपार्टमेंट रहेगा लेबर एम्प्लॉयमेंट यूथ और स्पोर्ट्स का रहेगा। उसके बाद 28 पर हरदीप सिंह पुरी, इनके पास एक प्रमुख डिपार्टमेंट रहेगा, याद रखें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद 29 पर चिराग पासवान, इनके पास फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज का रहेगा। उसके बाद 30 नंबर पर जो लास्ट है कैबिनेट मिनिस्टर सीआर पाटिल, इनके पास जल शक्ति मिशन जो होता है उसका डिपार्टमेंट रहेगा। तो बच्चों ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के टोटल 30 मंत्रियों का उनका नाम और उनके डिपार्टमेंट थे। जो नवनिर्वाचित गठित सरकार है उसमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर और जो स्वतंत्र प्रभार है 5 और 36 राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों की। धन्यवाद नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए। जय हिंद जय भारत।